हम तो आईना है, आईना ही रहेंगे। हम तो आईना है, आईना ही रहेंगे। आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईने पे नहीं, आज हम बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बिजनेस कॉम्बिनेशंस के कुछ बेसिक पॉइंट्स की, उसी की तरफ आज बात करने वाले हैं कि हम लोग कब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कौन सा लॉ बोलता है कि हमें बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले, हम तो आईना है, आईना ही रहेंगे। हम तो आईना हैं, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनके चेहरे पर कुछ और दिल में कुछ और है। हम तो आईना हैं, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनके चेहरे पे कुछ और दिल में कुछ और हो। बस खुददारी ही मेरी दौलत है, बस खुददारी ही मेरी दौलत है जो मेरी हस्ती में रहती है। बाकी ज़िंदगी तो फ़कीरी है, बाकी ज़िंदगी तो फ़कीरी है, वो अपनी मस्ती में रहती है। वाह वाह। तो हम तो आईना है, आईना ही रहेंगे। आप भी आईना है, आईना की तरह ही रहिए, चमकते रहिए, और ख़ुद को खुद में विश्वास दिलाने को कहिए, बिलीव इन योर सेल्फ। लाइन बहुत ही छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है, आजमाइए कभी। खुद को कहिए एक बार आईने में सामने खड़ा करके कि भाई यू कैन डू दिस, यस यस यू कैन। ओबामा का एक फेमस नारा था जब वो इलेक्शन लड़ रहा था, तो यस वी कैन, सो यस यू कैन, सो लेट्स मूव ऑन एंड डू सम वर्क। तो हम बोल रहे हैं कि आप कोई एक कंपनी हो, मान लो कि आपकी कंपनी का नाम है सॉरी लिमिटेड तो नहीं हो सकता, मान लो आपका नाम है सीसी लिमिटेड, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, हर ईयर एंड पे बनाती है। ये मान लो ईयर एंड है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑफकोर्स बनाएगी, बनाना पड़ेगा, लॉ बोलता है भाई बनाना पड़ेगा, तो बनाएगी। उसमें क्या क्या बनाती है कंपनी, कौन सा लॉ बोलता है, कौन सा इंडेक्स बोलता है, भाई आपको क्या बनाना पड़ता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या क्या आता अपना बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ ऑन सॉरी फॉर द नॉइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये हमारा कौन सा ऐसा लॉ है भाई बोल देता है, कौन सा इंडेक्स बोलता है कि तुमको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? इंडेक्स बोलता है अपने को, वो भी इंडेक्स 27, इंडेक्स 27 के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इट इज़ ऑल अबाउट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोला जाता था ओल्ड डेज में, लेकिन जब हम इंडेक्स पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप एक कंपनी हो तो कुछ तो रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे। ईयर एंड आ गया है तो वो रिकॉर्ड बनाते हो, कैसे बनाते हो? इंडेक्स 27 फॉलो करके। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सोकी। तो भाई आपको सपना थोड़ी ना आ जाएगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कौन बताएगा आपको, कौन बताए भला कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है? तो ये जर्नी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचेगी, कौन लेके जाएगा, हाथ में हाथ पकड़ के थोड़ी ना कोई लेके जाएगा? क्या सरकमस्टांसेस हैं जब आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? तो
आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जब आपके पास, अगर सीसी लिमिटेड के पास जो आपकी कंपनी है उसके पास एक सब्सिडरी है, एसोसिएट है और जॉइंट वेंचर है, जेवी। लॉ बोलता है कि आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना रहे हो, लेकिन आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा अगर आपके पास सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। ऐसा अब कौन सा लॉ बोलता है? ये हमारा बोलता है कंपनीज एक्ट। क्या मतलब? हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और हमें कंपनी लॉ के बता रहा है, भाई देख हमसे कुछ सीख, हम कुछ बता रहे हो फॉलो कर। ठीक है, इंडेस में ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कंपनी लॉ वाले जो हैं वो परेशान करके रखे, समझ रहे हो? और कंपनीज एक्ट का, एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि आपके पास सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है और आप एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी हो या फिर नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी हो तो आपको बनाना पड़ेगा। आप एक पब्लिक कंपनी हो, आप एक प्राइवेट कंपनी हो, आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी हो तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन बोलता है भाई? भाई कौन? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर आपके पास सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर है और आप एक पब्लिक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनीज हो, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी हो तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ। क्या क्या? साथ साथ, ऐसा नहीं कि एक ही बनाना पड़ेगा भाई, वो तो रहेगा, सेपरेट तो रहेगा, इंडेस 27 उसको बोल दिया है। अब ये बोल रहा है कि आपको बनाना पड़ेगा। एक सेबी की रिक्वायरमेंट भी है, सेबी की LODR रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है वैसे कि सेबी की भी रिक्वायरमेंट है। तो सेबी भी बोलता है, कंपनीज एक्ट बोला, बोला सेबी वाले, अरे यार हमको भी बोलने दो। ठीक है, तो अपने को मतलब है कि कोई तो बोल दिया, कोई भी चाचा भतीजा मामा कोई भी बोल दे, बनाना तो पड़ेगा ही ना। कहने का मतलब यही है कि अब बने कैसे, बता तो दिया। कंपनीज एक्ट हमें अकाउंटिंग तो नहीं सिखा सकती, कंपनीज एक्ट हमें बोल सकती है कि भाई ये बनाओ, कैसे बनाओ, इन्होंने तो बता दिया कि ये बनाना पड़ेगा, मेहमान आ गए हैं खिलाओ बना के, कैसे बनाए। ठीक है, आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो पापा बोल देते हैं ना कि मम्मी को कि भाई ये बनाओ, चाय पानी, पकौड़ी, जलेबी, जो भी बनाना है बनाओ। तो बनेगा कैसे? उसका जो डिश, जो प्रिपरेशन है, उस पे जो मसाला लगेगा वो कहाँ से आएगा, कौन बताएगा वो क्या उसका सीक्रेट रेसिपी है? तो उसके लिए हमारे पास है इंडेस। तो अगर आप सब्सिडरी हो, अगर आप एसोसिएट हो, अगर आप जॉइंट वेंचर हो, तो आइए सब्सिडरी हो तो अपना इंडेस 110 और 112 आपका डिशेस कैसे बनेगा वो बता रहा है आपको। ठीक है, एसोसिएट में 28, जॉइंट वेंचर में 111 एंड 28, और फर्स्ट टाइम इंडेस लग रहा है तो उस केस में 110 फर्स्ट टाइम के लिए, इंडेस 103 फर्स्ट टाइम के लिए, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। भाई साहब आपकी कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी, बधाई हो वाली मूवी का
का बधाई हो, नहीं सही में बधाई हो, क्योंकि आपको एक ही चीज़ बनाना पड़ता था, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन आपकी कंपनी जैसे ही एक सब्सिडरी में इन्वेस्ट करती है, एक एसोसिएट कंपनी उसकी हो जाती है, एक ज्वाइंट वेंचर उसका कोई रहता है, तो उस समय कंपनीज एक्ट आके आपको बोलता है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 में सेबी की कुछ रिक्वायरमेंट आपको आके बोलती हैं, एलओडीआर रिक्वायरमेंट, कि भाई बनाओ एक और चीज़ बनाओ, उसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको प्यार से अपने CFS बोलते हैं। आप SFS बना रहे थे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बधाई हो, लेकिन अब इसको भी बनाओ तो फिर काम बने। कैसे बनाएंगे? तो अपना इंडेक्स बता देगा, जो कि है 110, 112 फॉर सब्सिडरी, एसोसिएट के लिए 28, ज्वाइंट वेंचर के लिए 111, 28। और अगर आप पहली बार इस चक्कर में पड़े हैं तो कोई ना कोई निकालने के लिए रहना चाहिए, उसका नाम है इंडेक्स 103। ठीक है, एक गाना भी फेमस हुआ था, ठीक है। तो भाई साहब, आपको अब क्या बनाना पड़ेगा? दो चीज़ बनानी पड़ेगी। इसके बाद आप एक बार बनाएं, फिर क्या बनाना पड़ेगा? SFS एंड CFS। ईयर एंड पे, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि रिक्वायरमेंट कहाँ की है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ता है। कोई मेहमान आया, सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया कि कोई मेहमान आया तो बोल दिया, पापा बोल देते हैं कि भाई पापा यहाँ पे कंपनीज एक्ट है, बोल दिया कि बेटा ये काम करो, या मम्मी को बोल दिया, यार तुम्ही को बोल दिया कि जाओ कुछ चाय पानी लेके आओ, वो कहाँ से लाए कैसे लाए? तो ये इंडेक्स बताते हैं 110, 112, 111, 28, फर्स्ट टाइम है तो 103। समझ में आया क्या? आगे बढ़ें क्या? चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। आप अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, करते ही होंगे, आपकी एक कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड, आपकी एक कंपनी है उसका नाम है वाई लिमिटेड, उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। एक साइकिल होगा, मान लीजिए एक टाइमलाइन बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइमलाइन, एक लाइन खींचते हैं और आपको उस लाइन के माध्यम से बताते हैं कि कब क्या होगा। मान लीजिए वाई लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया मान लीजिए एक्स लिमिटेड में, और उसके ट्वेल्व परसेंट शेयर अक्वायर कर लिए। मान लीजिए उसका प्राइस है 30,000, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, नॉर्मल एंट्री, ठीक है। कौन सा इंडेक्स लगेगा? यहाँ पे इंडेक्स 109 लगेगा, जो बोलता है कि हम फेयर वैल्यू पे, हम इसको हर ईयर एंड पे रीवैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे। मान लीजिए इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपने बनाया एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे इसको किए रीवैल्यू, कौन सा इंडेक्स के हिसाब से, 109 बोलता है कि आप उसको करिए रीवैल्यू एट फेयर वैल्यू, मतलब ये कॉस्ट आपका 30,000, लेकिन जो हमारा ईयर एंड आया और हम स्टेटमेंट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, रीवैल्यू, उसकी वैल्यूएशन, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अकाउंटिंग में एंट्री तो हमें पता ही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री मार देंगे, लेकिन अब उसमें रिवैल्यूएशन होगा, ये हमारा इंडेक्स 109 बोलता है। अभी हम सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर तक तो नहीं पहुँचे हैं, पहुँचेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है।
तो मान लीजिए इसको रीवैल्यू कर दिए, फेयर वैल्यू इसकी थी कितनी थी 10,000, बढ़ गई, बढ़ जाने दो, 10,000 बढ़ गई, बढ़ जाने दो, ठीक है। आपने कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने मान लीजिए फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दी 30%, आपने 30% और शेयर खरीद लिए उस कंपनी की 1,00,000 रुपए में, तो टोटल आपके पास कितने शेयर हो गए अभी? 42% भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 30% प्लस 12% होते हैं 42%, 42% भाई साहब, 42% मतलब क्या, 42% मतलब ये आपकी हो गई एसोसिएट, ये आपकी हो गई एसोसिएट, क्योंकि एसोसिएट का क्राइटेरिया है कि अगर आप कोई कंपनी में 20-50% तक इन्वेस्ट किए हैं तो उसको एसोसिएट माना जाता है, 50% से ऊपर गया तो भाई साहब वो सब्सिडरी मानी जाती है जनरली, ठीक है। और डिटेल में पढ़ेंगे किसको कब सब्सिडरी कहेंगे। अब यहाँ पे हमारा इंडेक्स 27 लगेगा, वो क्या बोलता है सुनिए, वो बोलता है कि एक इन्वेस्टमेंट, जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में, तब वो इन्वेस्टमेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो कॉस्ट पे, या फिर आप इंडेक्स 109 फॉलो कर सकते हो, कॉस्ट और 109 आपको क्या बोलता है कि उसको हम रीवैल्यू करेंगे टू फेयर वैल्यू बाय पीएनएल और ओसीआई। कहने का मतलब यही है कि आप जैसे ही एक एसोसिएट, सब्सिडी और जॉइंट वेंचर तक पहुंचते हैं तो इंडेक्स वहां पे आ जाता है। वो बोलता है कि कॉस्ट पे लेना है ले लो, वो बोलता है कॉस्ट पे लेना है ले लो, 109 फॉलो करना है कर लो, 109 बोलता है कि हम रीवैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू तक, रीवैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू पे, ठीक है। आपको जो लेना है ले लो, लेकिन एक बार ले लिया तो लिए ढोना पड़ेगा, एक बार फॉलो कर दिया कॉस्ट या फिर 109, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं सारे इन्वेस्टमेंट की क्लास में। जैसे आपने सब्सिडी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, आपकी कोई सब्सिडी उसमें बोला हम कॉस्ट फॉलो करेंगे तो उसमें कॉस्ट ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई एसोसिएट है, एसोसिएट, सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर एक क्लास है, तो एक बार आपने कोई अकाउंटिंग फॉलो कर ली मैथड वैल्युएशन का, कॉस्ट का या फिर फेयर वैल्यू जो कि इंडेक्स 109 बोलता है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू जिस पे आपने फॉलो कर लिया उसी को फॉलो करते रहना पड़ेगा, सिंपल एज दिस, ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए हम लोग फेयर वैल्यू फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा केस में फेयर वैल्यू फॉलो करना एक अच्छा माना जाता है। जैसे इसकी कॉस्ट है 1,00,000, जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या करेंगे, रीवैल्यू, हम क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा इंडेक्स 109 बोलता है, जो कि इंडेक्स 27 की रिक्वायरमेंट है कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से हम फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको रीवैल्यू करेंगे। और ये वाला जो हमारा शेयर था पहले वाला 12% वाला, वो हो गया मान लीजिए 40K, 45K, ठीक है, इसका फेयर वैल्यू, तो टोटल हो गया 145K, क्लियर है। चलिए बढ़िया है, तो यहां पे लगा इंडेक्स 27, वो क्या बोलता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो या कॉस्ट फॉलो करिए या फिर 109 फॉलो करिए, जो बोलता है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन आपने एक बार जो फॉलो किया तो उसको पूरे क्लास में फॉलो करना पड़ेगा। क्लास का मतलब यहाँ पे है सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर।
आपने बोला सब्सिडी में हम कॉस्ट फॉलो करेंगे, फॉलो करिए कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला फेयर वैल्यू में एसोसिएट, फेयर वैल्यू मेथड हम लगाएंगे एसोसिएट में, तो लगाइए, जॉइंट वेंचर लगाना लगाइए, लेकिन हमेशा लगाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू पे वैल्यू कर सकते हैं, आपको ये चुनना पड़ेगा। ये चुनने का अधिकार, ये राइट, राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देता, ये इंडियस 27 देता है, ठीक है। तो जैसे ही सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर तक पहुंचते हैं, हम इंडियस 27 को प्रणाम करेंगे और इनकी कही हुई बातें मान लेंगे कि कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से जो हमें अच्छा लगे, दिल का सच्चा लगे, उसी को फॉलो कर लेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारी मंजिल कहीं और भी है, हमें आगे बढ़ना है। एसोसिएट से एक दिन एक सब्सिडी बनानी है और उस सब्सिडी में अकाउंटिंग करनी है। अपना भी एक सपना है कि हमारा एक सब्सिडी हो। तो आपने एक और इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके प्यारे चहिते कंपनी जिसका नाम है वाई लिमिटेड ने एक बात तो कमाल ही कर दिया, इन्होंने एक और इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% का। तो आपकी मैथ वाली कैलकुलेशन की जो इच्छा है वो एकदम तड़प के बोलती है कि 42% प्लस 10 कर दीजिए तो ये 52 आ जाएगा। ये पता है हमको, कैलकुलेशन इजी है लेकिन करने में मज़ा ज़्यादा आता है क्योंकि ये तुरंत हो जाता है। 52% होने से, 52% होने से आपकी, आपके पास एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा जो कि है सब्सिडी, क्योंकि ये 50% से ऊपर आ गया। अब क्या होगा? अब इस दिन, ये दिन ना आप भूल सकते हैं ना हम। यही वो दिन था जब आपको इनके यहाँ पे कंट्रोल आ गया, आप डिसीजन मेकिंग करने लगे। अब आप ही बिग बॉस 14 के मालिक हो गए, मतलब आप ही बिग बॉस को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब यहाँ पे बिग बॉस कौन? जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 52%, वो है बिग बॉस। तो इस दिन हम क्या करेंगे? हमने तो प्रण ले लिया था कि हम फेयर वैल्यू वाले भाई साहब हैं, तो हमारी कॉस्ट मान लो ये 10% इन्वेस्टमेंट में हमें कितना पड़ा, मान लीजिए 52,000 रुपीज़ हमको और पड़ा। तो हमारी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थी जो कि 145 है, उसको हमने रीवैल्यू कर दिया जो कि थी 42%, तो उसकी आज की वैल्यूएशन मान लीजिए 2000 के है। और ये जो हमारा 10% इन्वेस्टमेंट है ये 52 के है। तो आज हमारे बुक्स में ये तो दिखेगा 250 के। लेकिन आज कुछ बात बदली सी है, आज का दिन खास है। इस खास दिन को हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन डेट। हमने उसके कंपनी को अक्वायर कर लिया, वाई लिमिटेड के अंडर आ गई है एक्स लिमिटेड। 50% से ज़्यादा अगर कंट्रोल, 50% से ज़्यादा आप शेयर होल्डिंग करते हो किसी एक कंपनी में, तो उसको सब्सिडरी तो बोलते ही हैं, लेकिन आपका उसके साथ साथ उस कंपनी पे आ जाता है कंट्रोल। आप उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने लगते हो। और इसके कुछ दिन बाद थी ईयर एंडिंग, यहाँ पे है ईयर एंड। तो ईयर एंड पे पहुंचने से पहले, अब जो हमारा ये डेट है एक्विजिशन डेट जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, इस डेट पे बहुत कुछ और होना बाकी है। इस डेट पे अभी कुछ और होना बाकी है। आपको अगर याद हो तो हमने एक बात कही थी कि कौन सा इंडेक्स लगेगा। हमने बोला था अगर आप फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप कुछ करते हैं तो अच्छे से किया करिए। तो उस अच्छे से करने के लिए हमारा इंडेक्स 103 क्या बोलता है? आपने एक सब्सिडी बना ली भाई साहब,
तो उस समय हमारा इंड एस 103 क्या बोलता है, 103 बोलता है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अरे आप जो गुडविल कैलकुलेट करते थे, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन मर्जर में, ठीक है, अमलगमेशन मर्जर में, तो वो कौन बोलता था? अगर आपने आज तक पहचाना नहीं, उन भाई साहब को देख लीजिए, 103 बोलता है। और एक टर्म है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि नया है आईपीसीसी से, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक बात समझ लीजिए कि दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोलता है इंड एस 103, ठीक है। जैसे ही आपका कंट्रोल आ गया उस इन्वेस्टमेंट में, तो उसी दिन आपको 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको एनसीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एनसीआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इससे आपको एक बात याद आ गई होगी कि परचेज कंसिडरेशन निकालनी पड़ेगी। परचेज कंसिडरेशन में हम लोग गुडविल कैपिटल रिजर्व भी निकाला करते थे। अमलगमेशन मर्जर अगर आपको अच्छे से या फिर हल्का फुल्का भी याद हो, तो गुडविल का कैलकुलेशन में माथा पच्ची हो जाता था, परचेज कंसिडरेशन निकालने में माथा पच्ची हो जाता था। लेकिन अपने निकालेंगे एक एक करके, एक एक एग्जांपल से। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा हो गया, तो 103 भाई साहब आते हैं और बोलते हैं भाई गुडविल कैलकुलेट करो, एनसीआई कैलकुलेट करो, ठीक है। समझ में आया क्या? चलिए अब आपका ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड पे आप क्या बनाएंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपकी बैलेंस शीट बनेगी, एसपीएल बनेगा, सोकी बनेगा। क्या आप यहाँ पे सीएफएस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या आप यहाँ पे सीएफएस बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो आपको मैं याद दिला दूँ वो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, जो चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी कि भाई अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है और नॉन फॉर प्रॉफिट है, तो हमारा सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि जैसे ही आपकी कंपनी एक सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर होती है, तो उस समय उसको बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे सब्सिडरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो गुडविल है वो कैलकुलेट किया जाएगा और एनसीआई भी कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखिए, ये वैल्यू में अगर कोई चेंजेस हो गए यहां से यहां तक आने में, यहां पे आपकी जो बैलेंस शीट बन रही थी इसको बनने में, ये गुडविल और एनसीआई में अगर कोई चेंजेस है, तो उस चेंजेस को भी आपको चेक करना पड़ेगा। वो बोलता है हमारा चेंजेस इन एनसीआई, अगर कोई है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में कोई चेंजेस आ गया, तो हमारा इंड एस 110 बोलता है भाई साहब आप चेक करिए, ठीक है। एनसीआई के लिए बोलता है, गुडविल के लिए बोलता है हमारा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, जो हमारा इंड एस 36 है, ये बोलता है इम्पेयर तो नहीं हो गया हमारा। इम्पेयरमेंट जैसे कि डिप्रिशिएशन होता है, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स की इम्पेयरमेंट होते हैं, जैसे कि डिप्रिशिएशन होता है वैसे ही इम्पेयरमेंट होता है इनटेंजिबल एसेट्स का। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इस साल का ईयर एंड आपका बीत गया, मान लीजिए ये अगला साल है, तो क्या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी? आंसर इज बिल्कुल बनेगी। अब यहां से यहां तक पहुंचे, मान लीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या ये चीज़ें जो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है जो यहाँ पे हुई थी इस ईयर एंड पे, क्या यहाँ पे होगी? आंसर इज यस,
क्या जो हमने चेंजेस चेक किए थे एनसीआई में, क्या यहाँ पे चेक होगा? आंसर इज यस। कहने का मतलब है कि गुडविल और एनसीआई हर ईयर एंड पे चेक होगा कि वो इम्पेयर्ड तो नहीं हो गया, क्या वो उस एनसीआई में कोई चेंजेस है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम बताएंगे क्या है, लेकिन अभी तक के लिए ये समझिए कि उसमें कोई चेंजेस अगर होते हैं तो हम लोग चेक करते हैं, और वैल्यूएशन तो उसकी चेक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम लोग इंड एस 27 फॉलो कर रहे हैं और फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। आप एक कंपनी हो, 12% इन्वेस्टमेंट करते हो कोई दूसरी कंपनी में, इंडेक्स 109 आप फॉलो कर लो, रिवैल्यू करते रहो फेयर वैल्यू पे, लेकिन जैसे ही आपने एक एसोसिएट में एंट्री की तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है इंडेक्स 27 के हिसाब से कि आप कॉस्ट पे वैल्यूएशन इसका रखना चाहते हैं या फिर इसको आप कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहते हैं इसको, या फिर 109 फॉलो करना चाहते हैं जो बोलता है फेयर वैल्यू पे रहेगी। तो आप मान लीजिए कोई भी एक चीज़ चूज़ कर लीजिए, लेकिन उसको हमेशा उस सब उस क्लास में फॉलो करते रहिए। अगर आपको सब्सिडरी में फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन करना है तो करिए, आपको एसोसिएट में करना है तो करिए, लेकिन एक बार लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, टाटा स्काई या फिर वीडियो कॉन का ऐसा ब्रेक था वैसे ही वाला। तो आपने पहले 12%, फिर 30% एसोसिएट हो गई, फिर एक 10% इन्वेस्टमेंट किया 52, यहाँ पे एक बहुत ही अचंभा हो गया, आप बच्चे से बड़े हो गए, आपकी जो कंपनी है उस पर आपका आ गया कंट्रोल, कंट्रोल मतलब आपका उसमें आ गया डिसीजन मेकिंग का पावर, और आप के लिए वो हो गई सब्सिडी। तो इंडेक्स 103 आके आपको बोलता है कि भाई साहब सुनो, गुडविल कैलकुलेट करो, भाई साहब सुनो एनसीआई कैलकुलेट करो, ठीक है भाई साहब सुनो गुडविल कैलकुलेट करो, एनसीआई कैलकुलेट करो, परचेस कंसिडरेशन तो आप निकालोगे ही निकालोगे, तो उस केस में आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसमें जो चेंजेस होंगे वो एनसीआई में अगर चेंज हुआ तो इंडेक्स 110 फिर इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे स्टेट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे ईयर एंड पे, ठीक है। तो ये जो दो टेस्टिंग है गुडविल की और एनसीआई की बढ़ा घटा, वो हर ईयर एंड पे होगी जब भी हम एसएफएस और सीएफएस बनाएंगे, ठीक है। तो ये रही पूरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की समरी, ठीक है, ये जर्नी है। आई होप समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसका एक रिवीजन भी करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करेंगे, परचेस कंसिडरेशन निकालना सीखेंगे, जनरल एंट्री कैसे मारेंगे वो सीखेंगे। अभी वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और फिनिश करते हैं।